हमारा जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का वो है कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बात समझना है आपको, कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन तुम जब लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हो अभी क्लास में पढ़े हो गए कुछ चैप्टर तो पढ़े हो, वहाँ पे एक्टिव न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया होगा ना, ह्यूमन न्यूट्रिशन। जो मैं बातें पूछ रहा हूँ उसको उसका आंसर करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बायो बोरिंग होता है, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब समझना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में तुमको ये चीज़ बताई जाएगी कि कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, कोई भी प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का एक्सटेंट हमको डिसाइड करना होता है। जैसे सिंपली समझो कि अगर मान लो जैसे स्टमक है, जो तुम्हें नॉर्मल बातें पता है मैं उस पर बात करता हूँ, मान लो स्टमक है, तो स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि डाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे HCl रिलीज होता है, पढ़ा है ना, HCl रिलीज होता है, पढ़ा होगा म्यूकस रिलीज होता है, इतना तो पढ़े ही होगे पहले के क्लास में। तो सिंपल सा मतलब समझना कि क्या होता कि अगर HCl कंटिन्यूसली हर टाइम रिलीज होते रहता, डाइजेशन खाना तो एक टाइम दो टाइम तीन टाइम तीन टाइम कभी कभी खाते ना कंटिन्यूसली तो खाते नहीं रहता है, तो डाइजेशन की जरूरत कंटिन्यूस होती नहीं है। क्या होता कि अगर स्टमक के वॉल से HCl पूरा पूरा हमेशा रिलीज होते रहता, हमेशा रिलीज होता 24x7 हर सेकंड हर मिनट रिलीज होता रहता, तो क्या वो HCl सिक्रीट करना, जो सिक्रीट हो रहा है HCl उसको हमारे बॉडी, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन क्लियर कर पाता, नहीं कर पाता। क्यों? देखो जब उसको फूड, जब हमारे स्टमक में फूड जब स्टोर है, हमारे स्टमक में फूड गया हुआ है, हमने खाया हुआ फूड गया हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर टाइम पे अगर HCl रिलीज होता है तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे स्टमक में फूड नहीं है और उस टाइम पे HCl एक्स्ट्रा सिक्रीट होगा तो वो हमें कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, बात समझ में आएगी। तो पहला वो हमारे लिए डिजीज कॉज करेगा, दूसरा उस पर्टिकुलर HCl को रिलीज करने वाले जो सेल्स होंगे वो सेल्स जब एक्सेस वर्क करेंगे तो वो सेल्स के अंदर जो एजिंग होंगे, जो डेड होने का जो टाइम होगा वो और जल्दी आएगा, मतलब वो सेल बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे, डेड होंगे, बात समझ में आ गई। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी प्रोसेस चल रहा हो उस प्रोसेस की टाइमिंग कब होना है, उस प्रोसेस का एक्सटेंट कितना होना है, भाई HCl रिलीज होना है कब रिलीज होना है, जब हमने खाना खाया हुआ है, कितना रिलीज होना है जितना उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है, बात समझ में आ गई। तो कोई भी फंक्शन जैसे मान लो वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब जा रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ी, अब क्या होता है कि हमारे अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती कि हम हमेशा चलते रहते हैं, तो क्या हम कभी लेट पाते, बैठ के रेस्ट कर पाते, नहीं कर पाते, कहीं बैठना हो तो बैठ पाते, नहीं पाते। तो ये सारी के सारे जो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कितना वर्क करेगा, कौन सा पार्ट कब वर्क करेगा, कौन सा पार्ट पहले वर्क करेगा, कौन सा पार्ट बाद में वर्क करेगा, ये सारे के सारे चीजें जब डिसाइड करना होता है तो सारे के सारे चीजों को हम यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल क्या क्या, कंट्रोल वर्ड से क्या मतलब, कंट्रोल वर्ड से हमको एक्सटेंट पता चलता है, क्या पता चलता है बेटा, एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब कितना वर्क होगा, एक्सटेंट का मतलब कितना वर्क होगा। जब जब हमने ये कहा कि हमको 5 ml HCl रिलीज करना है, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते चलो, हमको 5 ml HCl रिलीज करना है, तो हमको ये पता है कि जैसे ही 5 ml HCl रिलीज हुआ HCl के सेक्रेशन को क्या कर देना, स्टॉप कर देना, तो एक्सटेंट बता रहा है कि कितना वर्क होगा। दूसरा ये कब वर्क होगा, व्हेन, किस टाइम पे वर्क होगा, टाइमिंग बताता है, क्या करता है, टाइमिंग डिसाइड करता है कब वर्क होगा, कितना वर्क होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन से क्या हमको समझते हैं, कोऑर्डिनेशन से सीक्वेंस समझ में आता है, क्या समझ में आता है बेटा, सीक्वेंस। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का सबसे बेटर एग्जांपल सोचो, अगर तुम्हारे स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के लिए कोई वहाँ के अरेंजमेंट नहीं होता, पीरियड का अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब किसी टीचर को ये अलॉट नहीं होता कि आप इस पीरियड में यहाँ पढ़ाएंगे, इस पीरियड में यहाँ पढ़ाएंगे, तो हो सकता कि एक क्लास में एक टाइम पे 4 teacher आ जाते पढ़ाने के लिए और किसी क्लास में कोई टीचर जाता ही नहीं जाता, बात समझ में आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि आप प्रोसेसेस में जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे डाइजेशन में पार्टिसिपेंट कौन कौन से है, हमारा माउथ है, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के सब ऑर्गन को डाइजेशन करते हैं, तो पहले कौन वर्क करेगा बाद में कौन वर्क करेगा। जैसे समझो मान लो हमने ये कहा कि हमारे बकल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट होता है, इतना तो पता है ना, जो नहीं पता होगा बताना,
मान लो हमने ये कहा कि टपकों कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होता है, तब जब हम कोई खाना खाते हैं तो सलाइवा उस खाने के साथ मिक्स होकर डाइजेशन करता है। लेकिन सोचो अगर ये चीज फिक्स ही नहीं होता कि कब कौन ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा, हम सोचो खाना खा लिए उस टाइम पे सलाइवा सीक्रेट नहीं हुआ, हमने उसको स्वेलो कर लिया, उसको निगल लिया, वो स्टमक में पहुंचा, तब जाके सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हुआ, तो इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा। बस होना तो कोऑर्डिनेशन क्या बताता है, सीक्वेंस, कि किसी प्रोसेस में प्रोसेस का जो पार्टिसिपेंट होगा, उस प्रोसेस का जो ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा, उस प्रोसेस का जो जितने भी मेंबर होंगे वो किस सीक्वेंस में किस मैनर में वर्क करेंगे, ये कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन बताता है। आप समझ में आएगी कोई दिक्कत, सुनो एक चीज, जैसे अभी ये बहुत एग्जाम्पल पढ़ोगे, मान लो तुमने यहाँ पे कोई गर्म प्लेट रखी हुई, तुमने उसमें हाथ रख दिया, ठीक है, तुमने गर्म प्लेट रखी हुई हाथ रख दिया, तो हाथ तुमने उस पर रखा, तो अगर ये तुम तुरंत वहां उठा हटा दे, ठीक है, हाथ तुमने रखा, तुम्हें हीट फील होता, तुम्हें थक रहा होता, ठीक है ना। लेकिन सोचो अगर वहां पे ये चीज फिक्स ही नहीं होता कि भाई हाथ जल रहा है, हाथ जल रहा है, जो ये वाला पोर्शन है बॉडी का, ये वाला पोर्शन है या जो मसल्स है, वो कह भाई तुम जल रहे हो, हम तुम काम करते, बात समझ में आ रही है। सिंपल सा मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप बॉडी के ऑर्गन टिश्यू के बीच में जो सीक्वेंस्ड मैनर में वर्किंग होती है, कैसे होती है, कौन उसको कंट्रोल करता है, कितना वर्क होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ में आगे चैप्टर का इंट्रो समझ में आया कि चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, किसी ऑर्गन का सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है, कब कौन सा ऑर्गन वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, ये कैसे कंट्रोल हमारी बॉडी में रहता है, बात समझ में आगे। चलो अभी एक चीज समझना, हमारे पास बेसिकली दो ऐसे किंगडम, तुमने जो डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी पढ़ा है ना, नाइन क्लास में, तो डाइवर्सिटी में पांच किंगडम बताए गए होंगे, बेटक करते हैं, क्या क्या बताया जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर, बाकी फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया क्या थे, माइक्रोसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में टिश्यू जैसी कोई चीज तो होगी नहीं, और जब टिश्यू नहीं होगी तो ऑर्गन जैसा कोई चीज नहीं होगा, तो जब वहाँ ऑर्गन और टिश्यू की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही सेल है, तो वहाँ हमको इस बहुत बड़े कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात वहाँ हमको करनी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही सेल सारा काम करता है, एक ही सेल सारा काम करता है। बात बच गया फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। फंगी के बारे में बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि फंगस क्या है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनका जो जो लाइफ प्रोसेस का जो उनका जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत अननोन है, उसके बारे में उनको बात नहीं करना। और फंगी के बारे में बेसिकली जब बात करते हैं हायर क्लासेस में, जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीएससी करने आते हैं, एमएससी करने आते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचे क्या, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ध्यान से समझना। तुमने जब प्लांट कहा तो पहले समझ लेते हैं कि प्लांट और एनिमल में कौन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ध्यान से समझना। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में सेंटर पॉइंट कौन सा है, जो कहते हैं ब्रेन, क्या कहते हैं, ब्रेन, सारी चीजें यहीं से डिसाइड होती हैं, कब पैर उठाना है, कब पैर रखना है, कब हाथ उठाना है, कब हाथ नीचे रखना है, तो हमारे बॉडी में ब्रेन काम करता है, कौन काम करता है बेटा, ब्रेन। एक चीज समझना, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक फिगर आता है, ये वाला पोर्शन जो है वो ब्रेन है, और इसी से सारी चीजें कंट्रोल पार्टिकल होती है। लेकिन इस ब्रेन का, ये ब्रेन जो है हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम का एक हिस्सा मात्र है, क्या है, एक हिस्सा मात्र है, उसके ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का जो सिस्टम हमारी बॉडी में है वो बहुत वास्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो समझना है यहाँ पे कि जो प्लांट, जो एनिमल होते हैं, एनिमल के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ग्लैंड्स के बारे में क्या बताया जाता है कि ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कुछ स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करता है, बात समझ में आ गई, ग्लैंड क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करता है। अब वो स्पेशल फ्लूइड जनरली दो टाइप के होते हैं, समझ लो, यहाँ पे मैं सारी चीजें तुम्हें बता दे, जो ग्लैंड होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और ये जो फ्लूइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक
एंजाइम होता है, क्या होता है बेटा एंजाइम, और दूसरा क्या होता है हार्मोन होता है, दूसरा क्या होता है हार्मोन। ध्यान समझना, जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो ही तरह के सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं, क्या करता एंजाइम और हार्मोन, क्या क्या एंजाइम और हार्मोन। तुमने ग्लैंड के दो टाइप पढ़े होंगे, कौन कौन से, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, पढ़ा है ना, सुना है नाम के लिए, सुना है तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तुमने ग्लैंड के दो टाइप पढ़े होंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं वो अलग अलग चीजें सिक्रीट करते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्मोन को सिक्रीट करने वाले ग्लैंड को कहते हैं एंडोक्राइन, क्या कहते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से समझना एक चीज, और यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगे, एंडोक्राइन का मतलब मुझे बताना था इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बाकी पूरा ऊपर सिस्टम उनको पढ़ना है, वहाँ पे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है, क्या वर्क करता है, उनको आगे चल के पढ़ना है। अभी ये एंडोक्राइन का मतलब क्लियर करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे उनको क्या कहेंगे एंडोक्राइन, ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे उनको क्या कहेंगे एक्सोक्राइन। क्यों कहते हैं भाई एंडोक्राइन, क्यों कहते हैं एक्सोक्राइन, देखो जो हार्मोन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड है वो डायरेक्टली जब हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो कहां सिक्रीट करते हैं ब्लड के अंदर, कहां पे सिक्रीट करते हैं ब्लड के अंदर, मतलब ये जो ग्लैंड होंगे जब ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो ये हार्मोन डायरेक्टली कहां पे जाएगा ब्लड के अंदर, कहां पे जाएगा बेटा ब्लड के अंदर, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन जब ये एंजाइम सिक्रीट करने वाले एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे, जब ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो उस एंजाइम को कैरी करने के लिए एक अलग से पाइप लगा हुआ बॉडी के अंदर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं डक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा डक्ट। जैसे पढ़ा है तुमने लीवर पढ़ा था ना, डाइजेशन पढ़े हो कम्प्लीट, डाइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा होगा ना कि लीवर से बाइल जूस आता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और वो जूस कहाँ पे आता है इंटेस्टाइन के अंदर, कहाँ पे आता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसके लिए एक अलग से पाइप लगा हुआ है, उस पाइप को हम क्या कहते हैं हेपेटिक डक्ट, क्या कहते हैं हेपेटिक डक्ट, जो जूस को लेके आता है, फिर उसी सिस्टम में एक सिस्टिक डक्ट होता है, उसी सिस्टम में और सारे बहुत सारे डक्ट होंगे। तो सिंपल सा समझना, एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड में अपना सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करता, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड कभी भी एंजाइम कहां सिक्रीट नहीं करता ब्लड में, ब्लड के बाहर सिक्रीट करता है इसलिए उसको क्या कहते हैं एक्सोक्राइन, और जो एंडोक्राइन होता है वो ब्लड में सिक्रीट करता है इसलिए उसको क्या कहते हैं एंडोक्राइन, क्लियर। अच्छा इसका काम क्या, एक चीज और समझना, इसका फायदा क्या मिलेगा, जब हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होगा तो क्या वो हार्मोन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड जा रहा है ना, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड जा रहा है, तो ब्लड के में अगर सिक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन होंगे वो हार्मोन पूरे बॉडी में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्लियर है। तो यानी कि ब्लड के अंदर सिक्रीट होने का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन कहीं सिक्रीट और होगा और हो सकता है उसकी फंक्शनिंग कहीं पे और हो रही है, क्लियर, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कशन करेंगे, तो शांत समझना, जितने भी एनिमल होते हैं वहां पे दो सिस्टम वर्क करते हैं, किसके लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कौन कौन सा सिस्टम बेटा, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे बना है न्यूरॉन से, किससे बना बेटा न्यूरॉन से, पढ़ा है ना न्यूरॉन 9th क्लास में टिशू में पढ़ा था ना, तो न्यूरॉन से। और एंडोक्राइन सिस्टम में काम कौन करता है हार्मोन काम करता है, कौन काम करता है बेटा हार्मोन। तो ध्यान से समझना, नर्वस सिस्टम में काम कौन करेगा न्यूरॉन, और एंडोक्राइन सिस्टम में काम कौन करेगा हार्मोन। ध्यान से एक चीज और, क्या प्लांट कभी प्लांट का कोई पार्ट तोड़ा है, लीफ तोड़ लिया हो, स्टेम तोड़ लिया हो, फ्लावर तोड़ लिया हो, तोड़ा है ना, कभी ना कभी तो किया ही होगा। कभी तुमने किसी प्लांट के पार्ट में न्यूरॉन देखा है, प्लांट के पार्ट में न्यूरॉन देखा है क्या, ऐसे थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर कभी देखा है क्या न्यूरॉन, ऐसा कुछ होता है क्या न्यूरॉन होता है, अच्छा प्लांट का कोई पैरालिसिस देखा है, बोलो नहीं देखा ना। प्लांट के अंदर न्यूरॉन जैसा कोई चीज नहीं होता, प्लांट के अंदर न्यूरॉन जैसा कोई चीज नहीं होता। तो अगर प्लांट के अंदर न्यूरॉन जैसा कोई चीज नहीं है तो क्या प्लांट में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, बोलो नहीं होगा। क्या प्लांट में न्यूरॉन नहीं है तो नर्वस सिस्टम वहां पे होगा, नहीं होगा।
वहां पे बचता है कौन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बचता रहता है, हार्मोनल सिस्टम। उसको एंडोक्राइन सिस्टम क्यों नहीं कर सकते, वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए नहीं कर सकते कि क्योंकि देखो एंडोक्राइन जो वर्ड है स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। वहां पे काम हार्मोन ही करता है और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, हार्मोनिक सिस्टम। तो ध्यान से समझना, एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है। किसी फंक्शन को सिर्फ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, किसी फंक्शन को सिर्फ हार्मोन सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करेगा, और किसी फंक्शन को ये दोनों मिलकर कंट्रोल करेगा। क्लियर। लेकिन प्लांट के अंदर कितना सिस्टम होता है वर्क करने के लिए, सिर्फ एक सिस्टम। कौन सा, हार्मोन सिस्टम। क्लियर, कोई दिक्कत है तो चलो अभी इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे और एक एक करके इन तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले एनिमल के अंदर नर्वस और एंडोक्राइन पढ़ेंगे, फिर प्लांट के अंदर हार्मोन सिस्टम पढ़ेंगे और ये सब करेंगे। ठीक है ना, अभी तक की सारी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। तुम्हारे लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन जाएगा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड में लास्ट तक आते आते जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा, मैं तुम्हें सुपर 60 क्वेश्चन दूंगा। सुपर 60 क्वेश्चन का एक बैच तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा, जिस 60 क्वेश्चन में से तुम्हारे जो बायो का क्वेश्चन होता है वहाँ पे 30 मार्क्स का, कितने मार्क्स होता है, 30 मार्क्स का। मैक्सिमम 80 मार्क्स पे 30 मार्क्स क्या किससे आता है, बायोलॉजी से आता है। तो उस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में जो मैं 60 क्वेश्चन जो बताऊंगा, उस 60 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, जहाँ से वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन उनको होमवर्क के फॉर्म में जाएंगे, मिलेंगे, उसको एक प्रॉपर कॉपी बना के उसमें सॉल्व करना, लिखते रहना, मुझे ला के दिखाना। लास्ट में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा जिससे कि उनको बहुत जल्द मिलेंगे एग्जाम। ठीक है ना, तो उसको प्रिपेयर करते रहना। ये बिठा दो पूरा सही करते हैं यहाँ पे सर। और किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लगा कि बायो है, थ्योरी है, याद करना है, यहाँ याद करने वाली कोई चीज नहीं है। इतना अपने आप को प्रिपेयर करो कि लास्ट में जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, एक बार में बुक उठाओ तो पढ़ते चले जाओ, कहीं पर रुकने की जरूरत ना पड़े, इतना समझ में आ जाना चाहिए। बस यही होता है पढ़ने का तरीका, यहाँ और कुछ नहीं है कि हमको पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे किसका बेटा, नर्वस सिस्टम का, एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, इसकी बात करेंगे नर्वस सिस्टम। देखो एक चीज समझो, जब तुमने 9th क्लास में सेल पढ़ा हो, क्या पढ़ा होगा बेटा, सेल, तो दो बातें वहां पे पढ़ी होंगी और उन दो बातों को मैं यहां लाके तुम्हारे सामने यहां पे स्टिक करूंगा। तुमने वहां पढ़ा होगा कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, ये पहला लाइन जब तुम बायो में 9th में आते हो पढ़ते हो, ठीक है ना, कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल बेसिक, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां से हमको पिक क्या करना है, स्ट्रक्चरल। क्या पिक करना बेटा, स्ट्रक्चरल। और एक चीज और पढ़ा होगा कि जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, वो लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में कौन सा होता है बेटा, कौन सा, और किसी भी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यस सर, न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बात लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर एक बार आप कहते थे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है और अभी न्यूरॉन कह रहे हो, तो बेटा न्यूरॉन में क्या है, सेल है। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसको हम यहाँ पे अलग से बॉडी यूज करते हैं। अब मुझे बताना कि न्यूरॉन तुमने पढ़ रखा है, तो बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे पास करता है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ सेल है।
न्यूरॉन के बारे में एक चीज समझो, एक पॉइंट और समझो, न्यूरॉन जो होता है ये डिवाइड नहीं, न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, बॉडी के और सारे सेल डिवाइड हो के नए सेल बनाते रहते हैं, डिवाइड बॉडी के और सारे, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ कोई इंजरी हो गई, यहाँ से मसल छूट गए, उस टाइम के बाद ऐसा हुआ कि हिलम होकर यहाँ पे सब कुछ प्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कि नए सेल का बनने हो जाएगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हमेशा डेड होते रहते हैं, नए नए सेल बनते रहते हैं, जैसे हम कहते थे कि ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका लाइफ पीरियड क्या होता है, आरबीसी का लाइफ पीरियड क्या होता है 120 डे, मतलब हर आरबीसी का सेल जो है वो 120 दिन बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी कि नए नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं, और सेल बनाने का सिस्टम क्या है, सेल डिवीजन, नहीं पढ़ाया क्या? यस सर, सब कुछ बात में सेल थ्योरी से आ रही है, क्या पढ़ा था सेल थ्योरी में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, नए सेल कहां से बनते हैं, पुराने सेल में कैसे बनते हैं, डिवाइड हो रहा है, पढ़ा है ना ये, तो सारी बातें समझ में आनी चाहिए, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि बॉडी के हर एक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो मैच्योर न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। यही क्वेश्चन एक बार मुझे पूछ लिया गया था एनटीएससी के एग्जाम में कि विच सेल डू नॉट हैव डिवीजन प्रॉपर्टी, और उसमें एक ऑप्शन क्या था, न्यूरॉन का था, जो कि सही ऑप्शन था, ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे ही याद रहेंगे, तो न्यूरॉन के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, न्यूरॉन डू नॉट शो डिवीजन प्रॉपर्टी एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद न्यूरॉन के अंदर कोई डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन कब आया था, एक बार ये क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, एनटीएससी से एनटीएससी समझ में आता है ना, क्या होता है एनटीएससी का फुल फॉर्म, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत? अब चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में, लंबा चौड़ा बड़ा, ठीक है, और उसमें लॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ लॉन्गेस्ट सेल होता है कौन, नर्वस सिस्टम, और ये एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रांच सेल, क्या कहते हैं बेटा, ब्रांच सेल, बहुत सारी ब्रांचिंग को देखने को मिलेगी, तो ये न्यूरॉन के बारे में कुछ जनरल बेसिक बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समझना, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि एक एक चीजें समझ में आनी चाहिए, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली न्यूरॉन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, देयर आर थ्री पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, मेरे साथ बोलना, पहला कौन सा पार्ट होता है बेटा, जो सेंट्रल होता है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, क्या कहते हैं बेटा, सेल बॉडी, या फिर क्या कहते हैं साइटोन, क्या कहते हैं उसको, साइटोन, सेल बॉडी या फिर साइटोन, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डेंड्राइट, क्या होता है बेटा, डेंड्राइट, दूसरा पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट, और जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्जॉन, ये सब दिखाऊंगा अभी, सब फिगर वाइज दिखाऊंगा, एक चीज और हमेशा क्लास में याद रखना, कभी भी ये ना सोचना कि बुक से देख के फिगर बना लूंगा, जो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा वही फिगर तुम ड्रॉ करोगे, क्यों, क्योंकि जो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी फिगर का, मैं उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ, बुक में बहुत सारे ऐसे फिगर है जिसको तुम ड्रॉ करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे, तो सिंपली जो फिगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा वही फिगर तुम ड्रॉ करोगे, चाहे वो कहीं भी एग्जाम में मिलोगे, क्लियर, कोई दिक्कत, तो समझना यहाँ पे न्यूरॉन के तीन पार्ट बेसिकली हैं, कौन कौन से बेटा, सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन, क्लियर, चलो बातें लिख लिया है तो मिटा दो इसको, चलो देखते हैं आपके नेक्स्ट क्या पे लिखो, ये फटाफट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्लिक्ट तुमको हमेशा फिगर से याद रखना, बायो पढ़ने का सबसे आसान तरीका आप फिगर समझ लीजिए, फिगर याद कर लीजिए, उससे आप थ्योरी लिख सकते हैं, बहुत इजी है, अभी देखना कैसे फिगर से थ्योरी तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, कैसे थ्योरी तुम्हें याद होगी फिगर से,
सारी चीजें तुम्हें यहाँ समझ में आएंगी। चलो तो अब फिगर बनाने का टाइम है यहाँ पे कि फिगर कैसे बनाएंगे समझो। यहाँ पे हमने ये कहा कि जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन का तीन पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है बेटा? तीन पार्ट। देखा फिगर बनाने का तरीका, मैंने ये कहा कि ये रहा मेरे सबसे सेंट्रल पार्ट, कौन सा? साइटोन। कौन सा पार्ट हो गया? साइटोन। साइटोन जो होता है वो नियरली सर्कल, नियरली सर्कुलर, ठीक है, नियरली सर्कुलर, नियरली सर्कुलर एक पार्ट होता है न्यूरॉन का, ठीक है। तो नियरली सर्कल, नियरली सर्कुलर पार्ट में यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? साइटोन। इस साइटोन में बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं। बहुत सारे क्या निकले होते हैं? प्रोजेक्शन। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्शन का मतलब कि यहां से जैसे एक पार ये हो गया, ये एक प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहां से ऐसे एक प्रोजेक्शन निकाल दिया, ये हो गया, ऐसे एक प्रोजेक्शन निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया, यहां से मान लो एक ऐसे प्रोजेक्शन निकाल, ठीक है, ध्यान से फिगर और बेटा बनाएंगे पहले समझाने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्शन निकाल, ठीक। एक सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट के बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं। ये प्रोजेक्शन जो होता है, ये प्रोजेक्शन का जो सबसे लार्जेस्ट वाला प्रोजेक्शन होता है, ध्यान से समझना, बहुत सारे प्रोजेक्शन है, इन बहुत सारे प्रोजेक्शन का जो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन होगा, उस लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। बाकी सब उससे छोटे होंगे, तो लॉन्गेस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्शन क्या होते हैं बेटा? बाकी जितने भी प्रोजेक्शन होते हैं साइटोन को उनको क्या कहते हैं? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो अब ये नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ प्रोजेक्शन, कितने प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे न्यूरॉन के तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप। ध्यान से समझना, बातें सारी समझ में आएंगी तुमको, इसकी गारंटी है। पहला जो टाइप होता है वो होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या होता है बेटा? यूनिपोलर न्यूरॉन। ये यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है कि दिस साइटोन है ओनली वन प्रोजेक्शन। ये साइटोन का कितना प्रोजेक्शन है? एक प्रोजेक्शन। कितना प्रोजेक्शन है? एक। एक चीज मुझे बताना, मैंने ये कहा कि तीन चार पांच में लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर तीन चार पांच में कौन होगा? पांच। तीन चार में सबसे लंबा, सबसे बड़ा नंबर तीन में सबसे बड़ा नंबर है ना। तो मैंने ये कहा कि एक्सॉन जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्शन होगा। अब वो एक होगा तब वो वही एक्सॉन होगा, दो होगा तो दोनों में जो बड़ा होगा वो एक्सॉन होगा, दो से ज्यादा होगा तो जो सबसे बड़ा होगा वो एक्सॉन होगा। यानी कि हर एक कंडीशन में एक्सॉन प्रेजेंट होगा ही होगा, हो सकता है डेंड्रॉइट प्रेजेंट हो या ना हो। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे वो ऐसे न्यूरॉन होंगे जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सेल बॉडी के साथ एक्सॉन, एक्सॉन प्लस क्या प्रेजेंट होंगे? सेल बॉडी, मतलब ऐसा सेल बॉडी जिसमें एक ही एक्सॉन प्रेजेंट हो, और डेंड्राइट क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसमें डेंड्राइट क्या होगा? एब्सेंट होगा। डेंड्राइट क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। बात समझ में आ गई? यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट हो, वहां पे कोई डेंड्राइट प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद मैं कहता हूं कि बाइपोलर न्यूरॉन, क्या कहते हैं बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। ध्यान से समझना बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है। टाइप बहुत सारे बेसिस पे आएंगे, तो स्ट्रक्चरल टाइप हम लोग बता रहा हूं, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया कि इस साइटोन के कितने प्रोजेक्शन? भाई यूनिपोलर में कितना प्रोजेक्शन? तो बाइपोलर में कितना प्रोजेक्शन? तो दो प्रोजेक्शन में एक, दो में तो कोई एक ही लार्जेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, एक ही लॉन्गेस्ट होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? दूसरा बच्चा क्या होगा? डेंड्राइट। क्लियर? कोई दिक्कत?
एक था तो एक एक्सॉन बन गया, डेंड्रोइट नहीं बना। लेकिन जब दो थे उसमें एक जो बड़ा वाला था वो क्या बन गया, एक्सॉन, और जो दूसरा वाला था वो क्या बन गया, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, एक एक्सॉन प्लस सेल बॉडी प्लस एक डेंड्रोइट, क्लियर है ना। बोलो बात समझ में आई। जो थर्ड वन टाइप है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या था, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब दो से ज्यादा वहां पे क्या होंगे, प्रोजेक्शन होंगे। और जब दो से ज्यादा होंगे तब भी सबसे बड़ा क्या होगा, कोई एक होगा, बाकी सब उससे क्या होंगे, छोटे होंगे। जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, एक्सॉन होगा, और जो बाकी छोटे वाले हैं वो क्या होंगे, डेंड्राइट। तीनों टाइप का मतलब समझना है। कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो बता दोगे, क्लियर ना। क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्योंकि सब की सारी चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फटाफट तुम लोग लिख लो इसको, स्ट्रक्चरल बेसिस पे तीन टाइप कौन कौन से, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, फटाफट लिखो। एक और होता है स्यूडो यूनिपोलर। एक और क्या होता है, स्यूडो यूनिपोलर, जो तुम्हें नहीं बताना है मुझे, वो सारी चीजें हायर क्लासेस में आएंगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। तो एक्सॉन, डेंड्राइट और साइटोन को समझ में आ गया तुम्हें। अब ध्यान से समझो क्या होता है, क्या-क्या स्ट्रक्चर और होता है। जो डेंड्राइट होता है, उस डेंड्राइट और जो साइटोन है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर समझना है तुमको। ये पता है कि ये क्या है, साइटोन है। ये पता है कि ये और ये क्या है, डेंड्राइट। और ये क्या पता है, ये क्या है, एक्सॉन। एक एक करके बात करते हैं। ये पूरा का पूरा एक क्या है, सेल, एक सिंगल सेल। ये पूरा का पूरा क्या बेटा, एक सिंगल सेल। और सेल में तुमको तीन चीजें पता होंगी, क्या क्या, तीन चीजें पता होंगी, क्या क्या। एक उसका साइटोप्लाज्म होगा, बोलो, एक साइटोप्लाज्म होगा, एक क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और एक क्या होगा, न्यूक्लियस। ये एसेंशियल, ध्यान से समझना। ये इस सेल का न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस। ध्यान से, ये सेल के अंदर फ्लूइड एक भरा होगा, साइटोप्लाज्म। क्योंकि जब हमने इस सेल का नाम बदल के न्यूरॉन रख दिया, तो इस सेल के जो साइटोप्लाज्म होंगे उसका भी नाम बदल के हम क्या रख देंगे, न्यूरोप्लाज्म। क्या रख देंगे, न्यूरोप्लाज्म। तो चाहे साइटोप्लाज्म कहोगे तब भी गलत नहीं है, और क्या कह दोगे, न्यूरोप्लाज्म, तब भी गलत नहीं। ये स्पेसिफिक नहीं, क्या है, स्पेसिफिक नहीं। घर पे छोटू सोनू बहुत होते होंगे, लेकिन स्कूल में नाम बदल जाता है। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे
जो जनरल टर्म है वो साइटोप्लाज्म है, लेकिन एक स्पेसिफिक सेल पढ़ रहे हैं उसके लिए उसके उसका नाम क्या कर दिया हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद ये बाहर बार का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर बार वाला स्ट्रक्चर है, बाहर बार वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लाइनिंग है। ये लाइनिंग क्या होती थी बेटा वहां पे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती थी? सेल मेम्ब्रेन। तो उसको सेल मेम्ब्रेन और क्या कहते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक चीज मुझे डिफरेंस बताना है कि जनरल सेल और इस सेल में क्या डिफरेंस होता है। दो डिफरेंस होते हैं, एक प्रेजेंस का और एक एब्सेंस। जो जनरल एनिमल सेल होता है, ये एनिमल प्रेजेंस को एनिमल सेल ही कहेंगे, जो जनरल एनिमल सेल होगा उस जनरल एनिमल सेल में जितने भी ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो जितने भी सेल वहां पे प्रेजेंट होंगे वो सारे के सॉरी जितने भी सेल ऑर्गेनेल वहां पे प्रेजेंट होंगे और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कहां पे प्रेजेंट होंगे? इस न्यूरॉन में होंगे, क्योंकि ये भी एक सेल है वो भी एक सेल था। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? जितने भी ऑर्गेनेल तुमने एनिमल सेल्स में पढ़े हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ाया गया होगा जिसको हम कहते थे सेंट्रियोल। क्या कहते थे? सेंट्रियोल, शायद पढ़ाया गया इन एक्चुअल समय में। एनिमल सेल में अगर सेंट्रियोल नाम का ऑर्गेनेल होगा, क्या नाम का? सेंट्रियोल नाम का, तभी जाके सेल का डिवीजन होगा, तभी जाके क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस सेल में डिवीजन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल। क्लियर? कंफर्म? सेंट्रियोल है तो डिवीजन होगा, सेंट्रियोल नहीं है तो डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं होता है तो सेंट्रियोल यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो नॉर्मल सेल से कंपेयर करते टाइम हमको दो बातें पता चली कि यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता बेटा? एब्सेंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर तुमको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है, इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल्स ग्रैंडुलर। क्या कहते हैं बेटा? मिसल्स ग्रैंडुलर। ध्यान से समझना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिसल्स। क्या नाम था? मिसल्स। उन्होंने इस ग्रैंडुलर की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? मिसल्स ग्रैंडुलर। ध्यान से समझना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है मिसल्स ग्रैंडुलर। जो मिसल्स ग्रैंडुलर, अगर इसे एक ग्रैंडुलर को उठा के यहां पे देखोगे तो इस ग्रैंडुलर के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक जो तुमने पढ़ा था राइबोसोम। क्या पढ़ा था बेटा? राइबोसोम। और इसके साथ एक जो पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मिसल्स ग्रैंडुलर। जनरल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग होता है, राइबोसोम अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम एक दूसरे से मिलके और एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या कहते हैं? मिसल्स ग्रैंडुलर। तो जनरल सेल में मिसल्स ग्रैंडुलर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जनरल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो दो बातें मैंने कहा था, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस की बातें समझ में आई तुम्हें यहाँ पे? बोलो। दूसरी बात, सेल के अंदर जो भी वहां पे ऑर्गेनेल थे वो सारे ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक चीज तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि मैंने जो निसल्स ग्रैंडुलर बनाए हैं वो निसल्स ग्रैंडुलर सेल के दो पार्ट में बनाए हैं। कहाँ पे? डेंड्राइट और व्हाट? साइटोन। डेंड्राइट और व्हाट? साइटोन। एक्सॉन में बनाया है क्या? वो एक्सॉन में बनाया है नहीं। एक चीज समझना, जो निसल्स ग्रैंडुलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक न्यूरॉन में, वो सिर्फ कहां कहां पे होता है? साइटोन और डेंड्रोइट में। कोई भी निसल्स ग्रैंडुलर कहां नहीं पाया जाता? एक्सॉन के अंदर। एक्सॉन के अंदर निसल्स ग्रैंडुलर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? अब देखो, क्वेश्चन एक पूछना चाहिए था तुमसे, तुमने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ। मैंने ये कहा था कि जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? एक्सॉन। क्या होता दो प्रोजेक्शन अगर सेम साइज हो जाते तो कैसे पहचानते कौन एक्सॉन और कौन डेंड्रोइट है? कैसे पहचानते सर? जिसमें ये जिसमें निसल्स ग्रैंडुलर होगा वो क्या होगा? डेंड्रोइट। और जिसमें निसल्स ग्रैंडुलर नहीं होगा वो क्या होगा? एक्सॉन। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत? तो पहचानने का तरीका समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब थोड़ा और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं।
जो ये डेंड्रॉइड होता है, इस डेंड्रॉइड का जो फ्रंटल पोर्शन होता है, डेंड्रॉइड का जो एंड होता है, वो एंड हमेशा कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स से जुड़े होते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। पहले रिसेप्टर समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बोलो, प्रेजेंट एट सेंस ऑर्गन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। और उन सेंस ऑर्गन में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको रिसेप्टर कहते हैं। टू परसीव डिफरेंट स्टिमुलाई। अभी बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? कैसे समझ में आएंगे उसको देखना। पहली बात तो मुझे समझना है क्या स्टिमुलाई क्या होता है। क्या समझना है? स्टिमुलाई अगर वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जो स्टिमुलाई होता है, वो स्टिमुलाई हमारे सराउंडिंग में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में तुम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में कोई भी चेंज या कोई भी ऐसा चेंज जिसको जिससे उसकी बॉडी अफेक्ट हो या जिससे उस पर कोई प्रभाव पड़े और वो उसको क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। मैं ये कहता हूँ कि बैंगलोर में कोई ट्रेन चल रही है। क्या कहता हूँ बेटा? बैंगलोर में कोई ट्रेन चल रही है। क्या वो मेरी बॉडी को या मेरे सराउंडिंग में है? नहीं। उससे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। दैट इज नॉट स्टिमुलस फॉर मी। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे बगल से ट्रेन गुजर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या था कि दैट पर्टिकुलर ट्रेन जब मेरे सराउंडिंग से बाहर थी, जिसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं हो रहा था, तो चेंज ही है, ट्रेन नहीं थी, ट्रेन जा रही है, चेंज है ना, तो वहां पे जब हुआ वो घटना वहां पे हुई, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मेरे लिए स्टिमुलस नहीं था। लेकिन जब वही घटना मेरे सराउंडिंग में घटी और मुझे उसको रिस्पॉन्स करना पड़ा, मुझे वहां से हटना पड़ा, दैट इज स्टिमुलस फॉर मी। जैसे क्या हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा था, किसी ने आज मुझे यहाँ पे टच किया, क्लियर है ना। तो मुझे जाहिर सी बात है पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कौन है ना, या जाहिर सी बात है कि मुझे फील उसकी फीलिंग आई कौन है, मुझे बोलना पड़ेगा भाई कौन है। जैसे भी रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग हुआ, क्योंकि उसने मुझे टच किया, ये एक चेंज है, और उस चेंज को मैंने रिस्पॉन्ड किया कैसे, मैं पीछे मुड़ के देखा उसको, या मैंने पूछा कौन है, या मैंने कहा सामने, और जो भी कहा रिस्पॉन्ड किया ना, उससे मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा ना, दैट टच इज ऑल्सो स्टिमुलस फॉर मी। जैसे क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो मैंने क्या पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, तो वो चेंज मेरे सराउंडिंग में हुआ, मैंने स्वेटर पहन लिया, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, दैट चेंज इज स्टिमुलस फॉर मी। क्लियर है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कोई भी ऐसा चेंज होता है, जिस चेंज को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उस चेंज को क्या कहते हैं, स्टिमुलस है। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे मैंने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया। तो जैसे ही खाना खाया और टंग पे मेरे वो फूड पहुंचा, तो उसका टेस्ट क्या हुआ, मेरे सेंस ऑर्गन, कौन से सेंस ऑर्गन में? टंग में। टंग तो सेंस ऑर्गन है ना। टंग पे प्रेजेंट रिसेप्टर ने उस टेस्ट को क्या किया, फील किया, और वो टेस्ट का इंफॉर्मेशन किसको दिया, डेंड्रॉइड को दिया। डेंड्रॉइड ने किसको दिया, साइटोन को। साइटोन ने किसको दिया, एग्जाम को। ऐसे ही मूव करते हुए कहां पहुंच गया, ब्रेन के पास, और ब्रेन को ये पता चला कि मैंने कोई रसगुल्ला खाया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। तो कोई भी चेंज जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस फॉर मी या स्टिमुलस फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, और उस चेंज को फील कौन करता है, सेंस कौन करता है, सेंस ऑर्गन, और उस सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उस चेंज का इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन को, थ्रू व्हाट, डेंड्रॉइट। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सराउंडिंग में हुए किसी चेंज को क्या करें, परसीव करें, और उस परसीवरेंस को न्यूरॉन के थ्रू कहां भेज दें, ब्रेन के पास, उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं बेटा, रिसेप्टर, जो किसी चेंज को क्या करता है, रिसीव करता है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो डेंड्रॉइड हमेशा, डेंड्रॉइड जनरली किससे कनेक्टेड होता है, रिसेप्टर के साथ। क्लियर है। दूसरा, साइटोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सारे यहां पे ऑर्गेनेल। एक चीज और,
यहां जब हम एक जॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कंडीशन दो हो जाता है। एक एक सीट बनता है, जिस सीट को कहते हैं माइलिन सीट। क्या कहते हैं? माइलिन सीट। ये कवर, सीट का मतलब क्या होता है? कवर। सीट का मतलब क्या होता है? कवर। कुछ न्यूरॉन तुम ऐसे देखोगे जिन न्यूरॉन का जो एक्जॉन होगा, इस एक्जॉन पे एक पैच के फॉर्म में कवर लगा हुआ है, ऐसे कवर। ये पूरा सर्कुलर कवर है, ठीक है? दिखा तुमने ग्राफिक साइड में ऐसे कवर लगे होंगे, और ये कवर क्या है? माइलिन सीट। ये कवर क्या है बेटा? माइलिन सीट है। ये माइलिन सीट बना किससे था? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल थे जिसको हम कहते थे स्वान सेल। क्या कहते थे बेटा? स्वान सेल। क्या कहते थे? स्वान सेल। सुनना ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ही हो। मैंने दो कंडीशन कहा, कुछ ऐसे न्यूरॉन को देखने को मिलेंगे जिस न्यूरॉन में जो एक्जॉन है उस पे पैचेस के फॉर्म में कुछ कवर प्रेजेंट होगा, जिस कवर को क्या कहते हैं? माइलिन सीट। क्या कहते हैं? माइलिन सीट। तो इसका एक्जॉन माइलिन सीट से क्या है? कवर्ड है कुछ न्यूरॉन, ठीक है? और कुछ न्यूरॉन ऐसे होंगे जहां पर ये माइलिन सीट क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो जहां पर माइलिन सीट प्रेजेंट होगा ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहेंगे बेटा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जहां पे माइलिन सीट प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहेंगे? नॉन माइलिन। दो बार टाइप बता चुका हूं, पहली बार कब बताया था? यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, ठीक है? अभी कब बताया है कि अगर माइलिन सीट एक जोन में प्रेजेंट है तो कौन सा न्यूरॉन? माइलिनेटेड। और माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? नॉन माइलिन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो ये क्या था बेटा? ये हमारा क्या हो गया? माइलिन सी। क्या हो गया? माइलिन सी, ठीक है? अब सुनना, स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम तुमको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं? मोड ऑफ रेनवियर। ये सब पढ़ रखा है तुमने कहां पे? नाइन्थ क्लास में। लेकिन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। मोड ऑफ रेनवियर पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा था? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में मोड ऑफ रेनवियर नहीं पढ़ाया गया था? जब से जाना मैं थोड़ा सा उठा के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना वहां पे जरूर। क्लियर? सुनो ध्यान, ये नोड ऑफ रेनवियर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। कहां पे मिलता है बेटा? माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी ऐसा न्यूरॉन जहां पे क्या प्रेजेंट हो? माइलिनेटेड। क्लियर? कोई दिक्कत? सुनना ध्यान से इसका डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन बताता हूं। It is the part of myelinated neuron. कौन सा न्यूरॉन होना चाहिए? माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन का वो पार्ट होता है, एक्जॉन का वो पार्ट होता है जहां पर माइलिन सीट क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ एक्जॉन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन वेयर माइलिन सीट इज एब्सेंट। क्लियर बात बोलो, जो दिख रहा है वही उसका डेफिनेशन। पहली बात हमको देखना कहां पे है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। कहां पे देखना है? माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या देखना है? एक्जॉन देखना है। क्या देखना है? एक्जॉन। और एक्जॉन का कौन सा पोर्शन देखना है? जहां पे माइलिन सीट क्या हो? एब्सेंट हो। उसी को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? कोई दिक्कत बोलो, समझ में आएगी ना? तो दो तरह के न्यूरॉन इसके बेसिस पे बताया, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में क्या होता है? नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। माइलिनेटेड ऐसा न्यूरॉन, ऐसा पॉइंट होता है न्यूरॉन के अंदर जहां पे माइलिन सीट एब्सेंट, तो उसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? कोई दिक्कत? और आगे बढ़ते हैं। जो एक्जॉन होता है उस एक्जॉन का जो एंडिंग होता है, एंड वाला हिस्सा, ये एंड वाला हिस्सा ब्रांच होता है। क्या होता है बेटा? ब्रांच। ठीक है, जो एक्जॉन का एंड वाला हिस्सा होता है वो ब्रांच होता है। हर एक ब्रांच का जो एक्जॉन के एंडिंग का जो ब्रांच है, हर एक ब्रांच का जो सबसे टर्मिनल पॉइंट होता है वो टर्मिनल पॉइंट स्वेल होता है, खुला हुआ होता है। इसकी तरह बटन के जैसे, इसके तरह बटन के जैसे, जैसे ये बटन है ना,
ऐसे बटन की तरह स्फेरिकल होता है, वहां पे थोड़ा सा वो क्या होता है, वहां पे वो स्वेल अप होता है, फुला हुआ, ठीक है। इस पोर्शन को हम कहते हैं नौ, क्या कहते हैं बेटा, नौ, क्या कहते हैं उसको, नौ। इस नौ के पहले एक वर्ड लगा होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नौ, क्या कहते हैं उसका, सिनेप्टिक नौ। इस सिनेप्टिक वर्ड का क्या मतलब है उसका, ठीक है, पहले ध्यान रखो क्या कहते हैं उसको, नौ। इस सिनेप्टिक नौ के अंदर एक पैकेट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, पैकेट। इस पैकेट के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिन केमिकल को हम कहते हैं, पहली बात तो पैकेट का नाम समझ लो, पैकेट का नाम होता है सिनेप्टिक वेसिकल, क्या नाम होता है, क्या, सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल का मतलब क्या होता है, पैकेट। बायो में जब भी तुम्हें वेसिकल वर्ड मिले तो समझ लेना उसका मतलब क्या है, एक पैकेट है, का मतलब क्या है, पैकेट। तो जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसके अंदर एक पैकेट प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। और क्योंकि वो पैकेट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट होगा, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या कहते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है, ये जब कंडक्शन ऑफ इंपल्स पढ़ेंगे कल तो समझ में आएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, नेक्स्ट समझो। ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब सुनो, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन, यहाँ पे कोई चीज अगर मुझे फील होता है तो यहाँ से एक ही न्यूरॉन पूरा हमारे ब्रेन तक गया, ऐसा तो है, क्लियर है ना। बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ के तब वो एक वायर बनाए होंगे और वायर कहाँ पहुंचा होगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचा, क्लियर। तो अब अटैचमेंट या कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन कैसे होता है, एक न्यूरॉन ये हो गया, इस न्यूरॉन का जो अगला वाला न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन का मान लीजिए अगला वाला न्यूरॉन ये रहा, उस न्यूरॉन का नाम मैंने साइटोन मान लिया, अगले वाले न्यूरॉन का, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का। इस साइटोन का जो डेंड्राइट है ये कुछ ऐसे होते हैं, इस साइटोन का जो डेंड्राइट है कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान से समझो, हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है। ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरे न्यूरॉन का साइटोन और क्या है, डेंड्राइट। सुना जाना, इस एक्सॉन और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत रेयरली ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है और इस खाली स्पेस को कहते हैं साइनेप्स, क्या कहते हैं उसका, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, इट इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, पहले न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उस गैप को क्या कहते हैं, उनका साइनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनेप्स। और क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इस साइनेप्स के पास प्रेजेंट है, इसलिए इन सारे के सारे स्ट्रक्चर में साइनेप्स की वर्ड पहले लगा हुआ है, क्लियर, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है ना। चलो तो ये सीधा मेरे हिसाब से पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया, क्लियर है ना। अगले क्लास में हमको क्या करना है, न्यूरॉन ये पूरा पढ़ के आना, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए न्यूरॉन मेरे फॉर्म में प्रेजेंट है, मैंने कोई गर्म चीज टच किया तो वो गर्म चीज का इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कैसे पहुंचता है, इसकी बात करेंगे हम, पूरा दिखाएंगे कि कैसे वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अगला जो हमारा क्लास होगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है तो ये पढ़ के आना, बाकी तुम्हारे पास हमारे होमवर्क, ठीक है, कोई डाउट किसी को, क्लियर कंफर्म।